हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी देने वाले हैं मोनोट्रेट SR30 mg टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिंपल एंड ईजी भाषा में जानकारी देंगे, वो भी हिंदी में, कि मोनोट्रेट SR टेबलेट जो है दोस्तों 30 mg की, इसके आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस बीमारी में ये टेबलेट यूज़ की जाती है, क्या इसका फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी पैकिंग है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। तो दोस्तों मोनोट्रेट SR30 mg टेबलेट जो है दोस्तों, इसको मार्केट एंड मैन्युफैक्चर किया जाता है सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा। इस टेबलेट में दोस्तों सॉल्ट डाला गया जिसका नाम है आइसोसोरबाइड मोनोनिट्रेट, जो कि 30 mg के रूप में इस टेबलेट में डाला गया है। अगर दोस्तों मोनोट्रेट SR30 mg टेबलेट की पैकिंग और प्राइस के बारे में जानकारी दी जाए तो दोस्तों इसके 10 टेबलेट्स की पैकिंग का इसका प्राइस है लगभग 70 रुपये के करीब। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस टेबलेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके उपयोग हैं। तो दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है एंजाइना की रोकथाम के लिए। एंजाइना क्या होता है दोस्तों, जो दिल से संबंधित हमारे सीने में जो दर्द पैदा होता है उसका इलाज करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इस टेबलेट का उपयोग जो है दोस्तों किया जाता है। मोनोट्रेट SR30 mg गोली जो है दोस्तों, आप में दिल से संबंधित सीने में दर्द होने के जोखिम को कम करती है। यह पहले से शुरू हो चुके एंजाइना अटैक का इलाज नहीं करती है और इससे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह दिल में रक्त वाहिकाओं को आराम और चौड़ा करके काम करती है। इससे क्या है, रक्त का प्रवाह जो होता है दोस्तों दिल तक आसान हो जाता है, इसलिए इसे अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार यह दवा आपके एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाने और आपके दैनिक जीवन को जीवन में अधिक आसानी से आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करेगी। बेहतर असर के लिए इसे दोस्तों नियमित रूप से आपको लेना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ठीक है, ये तो थी जानकारी इसके उपयोग और इसके फ़ायदों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मोनोट्रेट SR30 mg गोली के साइड इफेक्ट्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, छाते में दर्द, दस्त, सर दर्द, फ्लशिंग मतलब होता है दोस्तों चेहरे, कान, गर्दन और धड़ में गर्मी का एहसास होना, एलर्जी की प्रतिक्रिया और पेट में दर्द। तो ये कॉमन से साइड इफेक्ट्स जो हैं दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट के उपयोग के दौरान। तो दोस्तों ज़्यादातर साइड इफेक्ट में क्या है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है और जैसे आपका शरीर जब दवा के हिसाब से ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप गायब हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहें तो आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस टेबलेट के ये काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। तो दोस्तों मोनोट्रेट SR30 टेबलेट जो है दोस्तों एक नाइट्रेट है। यह परिधीय धमनियां और नसों को फैलाता है। नसों का फैलाव जो है रक्त के परिधीय पुलिंग को बढ़ावा देता है और हृदय में सिरापरक वापसी को कम करता है, जिससे क्या हृदय का कार्यभार कम हो जाता है। नतीजन दोस्तों हृदय की मांसपेशियों को उतनी रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार यह टेबलेट हमारी बॉडी में काम करती है मोनोट्रेट SR30 mg। तो ये थी दोस्तों सिंपल एंड ईजी भाषा में जानकारी मोनोट्रेट 30 mg टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इसलिए या हिंदी भाषा में समझ आ चुकी तो आप वीडियो को जो है जरूर लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।